हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइन सैयद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाना ड्रिंक। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसको दूध का शरबत भी कह सकते हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं दूध का शरबत। यहाँ पर मैंने दो बाउल लिए हैं, एक में हम ऐड करेंगे सब्जा यानी कि तुक मलंगा। तो मैंने एक टेबल स्पून लिया है और आधा ग्लास में पानी ऐड कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। ये है साबूदाना यानी कि सेगो सीड्स, ये मैंने लिया है 1/2 कप। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी। पानी आपने थोड़ा सा नीम गर्म लेना है और इसको आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, 1 कप ऐड करेंगे पानी, 2 टेबलस्पून चीनी, आप चाहें तो 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है जब तक कॉर्नफ्लावर डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अब गैस का फ्लेम हमने ऑन कर लेना है और इसको हमने चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर जब तक ये इस तरह से गाढ़ा नहीं दिखाई देने लगता है। एक बार ये इस तरह से गाढ़ा दिखाई देने लगे बिल्कुल लो कर ले फ्लेम और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। बस इसमें अभी खुशबू के लिए मैं 2 बूंद रोज़ एसेंस डाल रही हूँ, आप चाहे तो केवरा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बस अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर हम ऐड कर लेंगे। फूड कलर को थोड़ा सा मिक्स कर ले, आप चाहे तो कोई दूसरा कलर भी ले सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही ऐड किया है। इसको गरम गरम में ही हमने एक डिश में पोर कर लेना है। आप यहाँ पर चाहें तो फिर इसको 2 से 3 अलग कलर में भी बना सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, जेली घर पर मैंने जो बनाई थी उसमें मैंने अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया था। बस इसको अब हम फ्रिज में रख देते हैं, ऊपर फ्रीज़र में। जब तक वो सेट हो जाता है तो यहाँ पर हम साबूदाना कुक कर लेते हैं। तो 1 कप पानी लिया है, जो साबूदाना मैंने आधा घंटा भिगो दिया था वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर लेना है। इसको हमने अच्छी तरह कुक कर लेना है जब तक इसमें उबाला नहीं आ जाता है। जैसे ही इसमें उबाला आ जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो फ्लेम आपने लो मीडियम करके इसको कुक करने के लिए छोड़ देना है। इसको तब तक कुक करना है जब तक इसके सारे दाने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। आप खाकर चेक कर सकते हैं, अंदर इसके अंदर कनी नहीं होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पर जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगा था 3 से 4 मिनट बाद, तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप के आसपास चीनी ऐड कर ली है। चीनी ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी पूरी घुल गई है, चीनी के साथ इसको हम कुक कर लेते हैं। मैं कच्ची चीनी ऐड नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर ली है। ये बहुत गाढ़ा हो गया है और दाने इसके बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। गैस से निकाल के इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन फूड कलर। कई लोगों को फूड कलर पसंद नहीं है तो अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके फिर से मैंने मिला लिया है इसके अंदर और ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है और इसके अंदर कम से कम 4 से 5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है रू अफ़ज़ा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने एसेंस का इस्तेमाल वैसे भी किया था जेली बनाते वक्त। तो बस इसको मिक्स कर ले, थोड़ा सा उससे वो स्वीट हो जाता है इसलिए मैंने ऐड किया था। अब यहाँ देखिए 1/2 घंटा फ्रीज़र में से निकालने के बाद यहाँ पर ये सेट हो गया है। तो इसको हम कट कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस इसके हम इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टिकी सा है, पर जैसे ये दूध में जाएगा तो ये अपने आप आराम से अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध के अंदर मैं इसको अभी ऐड कर रही हूँ ताकि ये इस तरह से स्टिक ना हो। तो बस ये हमारा दूध भी तैयार हो गया है, अब हम बना लेंगे शरबत। तो शरबत को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लास निकाल लिए हैं साइड में। इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चिल्ड दूध ले लें तो आप बर्फ़ स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं साबूदाना जो मैंने बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा साबूदाना चाहिए तो आप ज़्यादा बना लें। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्जा जो हमने भिगो दिया था, बहुत अच्छे से भीग चुका है। 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था साबूदाना, 2-2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है तुक मलंगा यानी कि बेजिल सीड्स, और ऊपर से फिर ये जो दूध है वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। तो जेली के साथ जो दूध बनाया था वो और जेली जो बच गई थी थोड़ी, वो मैंने ऊपर से इस तरह से टॉप अप कर लिया। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स नट्स ऐड कर सकते हैं। इसको मिला लेते हैं एक बार, इसका कलर थोड़ा सा ग्रीन हो गया है क्योंकि मैंने कलर ऐड किया था, पर ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक गुड केयर।